सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और साथ ही बेल आइकन को दबाकर ऑल पे क्लिक कीजिए हमारे वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार साथियों, आपका फिर से स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल सुप्रियर विनोद जी में। और इस वीडियो के अंदर मैं कुछ बात करने वाला हूं कि MMIT स्टेकिंग रिवार्ड के अंदर में हम पैसा क्यों इन्वेस्ट करें, क्यों पैसा लगाएं। ये लोगों के मन में बहुत सारा सवाल चलता है कि पहले तो SBG या SBG U के अंदर में हम लोगों के साथ में इतना बड़ा स्ट्रेटेजी हो गया और यहाँ भी फिर से लगाना है तो क्या पता यहाँ होगा कि नहीं होगा। तो सबसे पहले ये जान लेना बहुत जरूरी है फ्रेंड्स कि SBG में स्टैकिंग क्यों करें। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा कुछ चीजों के ऊपर मैं बात करने वाला हूं, तो आप इस पे जरूर थोड़ा सा गौर करिएगा। सबसे पहला, कि MMIT जहां पे स्टेकिंग हो रहा है ये पूरी तरीके से डिसेंट्रलाइज है। डिसेंट्रलाइज है, ठीक है। सबसे पहले जहां पे हमारा स्टेकिंग हो रहा है MMIT का, वो पूरी तरीके से डिसेंट्रलाइज है। यहाँ पे किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है। कंपनी का जो मालिक CEO सर है या फिर और भी जो मैनेजमेंट है उसका, टीम का कोई यहाँ पे कनेक्शन नहीं है। जब सवाल आता है कि जब उसका कोई कनेक्शन नहीं है तो भाई क्यों ऐसा करवा रहा है, वो लोग अपनी मर्जी से करेंगे जैसे और भी प्लेटफॉर्म पे करते हैं। तो फ्रेंड्स, कंपनी के CEO का सिर्फ मकसद एक ही है कि कंपनी का जो टोकन है ना उसको ग्रोथ कराना है। मतलब कितना लेके जाना है, कम से कम 50 किल करना है, 50 किल करना है, ताकि जो लोग यहां पे इन्वेस्टमेंट किए हुए, जो हमारी कम्युनिटी है, वो अच्छा से अच्छा ज्यादा से ज्यादा पैसा बना सके, ठीक है। इसके लिए कि यहां पे ये करना है। अब बात आता है कि फ्रेंड्स, यहां पे सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि MMIT में स्टेकिंग करने से सबसे पहले यहां पे हमारा होगा कि MMIT का ग्रोथ होगा, MMIT का ग्रोथ होगा। चूंकि कंपनी का लास्ट सिक्स मंथ के अंदर में कम से कम 30 किल करना है, 30 किल करना है, जिससे क्या होगा कि लगभग MMIT का ग्रोथ 100 गुना तक जाएगा। और ये 100 गुना तक जाएगा तो जितने भी लोगों का पैसा SBG या फिर SBG U में जो लगा हुआ है वो 100% निकल जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए यहां पे करेंगे। और बात यहां पे है कि फ्रेंड्स, जब हम स्टेकिंग नहीं करेंगे या फिर इसमें हम होल्डर्स नहीं बढ़ाएंगे तो फिर ये ग्रोथ होगा कैसे। तो इसके लिए MMIT को ग्रोथ कराने के लिए स्टेकिंग करना जरूरी है। और दूसरी चीज है कि इसके वजह से हमारा SBG U या SBG में जो पैसा लगा हुआ वो हमारा निकल जाएगा। तो ये बहुत ही जरूरी है और इस तरीके से करने से अच्छा रहेगा। बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि भाई पहले तो आप ऐसा बोल रहे थे, आप ऐसा बोल रहे हो। तो देखिए, जब हम लोग SBG के अंदर में पैसा लगाए हुए थे और जो कंपनी का जो प्लान था उसके अकॉर्डिंग जब हमें पैसा नहीं मिल रहा था, प्रॉब्लम आ गया था, तो जाहिर सी बात है किसी को भी बुरा लगेगा। तो वैसे कंडीशन में मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने भी उस तरीके से बात किया। लेकिन अभी जिस कॉन्सेप्ट के ऊपर में कंपनी का जो प्लान चल रहा है, रनिंग हो रहा है, MMIT का स्टेकिंग हो रहा है, इसमें किसी प्रकार का कोई दुविधा नहीं है। हाँ, ये चीज है कि जब आप करना चाह रहे हैं तो मैं आपसे यही बोलूंगा कि एक बार सिस्टम को समझ लीजिए। जहां पे हम SBG में पैसा लगा रहे थे वो कहां पे हमारा पैसा जा रहा था, और आज जब हम MMIT स्टेकिंग के अंदर में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो पैसा हमारा कहां पे जा रहा है, तो ये जरूरी है जानना। कई लोगों को मैं बोलता हूं कि आप अगर इस सिस्टम को, कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हैं कि आज जिस कॉन्सेप्ट के ऊपर में हम लोग पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं वो सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज है,
या कंपनी का कोई रोल है उसमें, मतलब तरह तरह की चीजें हैं। तो मैं बोलता हूं कि आप उसको जानने समझने के लिए आप जूम पे आइए, डेली का कंपनी के माध्यम से जूम सेशन चलता है, तो आप जूम पे आइए तो आपको वहां पे बहुत सारी जानकारियां मिलेगी। लेकिन कई लोग इस डर से नहीं जूम पे आते हैं कि कहीं अगर जूम पे चले गए तो हम पैसा इन्वेस्ट ना कर दें, क्योंकि जूम का ही नतीजा था जो एसबीजी के अंदर में या एसबीजी यू में हमने पैसा इन्वेस्ट कर दिया था, घर गिरवी रख करके, लोन ले करके, जमीन बेच करके, बहुत सारे चीजों को देख करके मैंने लगा दिया था, और कहीं आज उस स्थिति से हम बाहर नहीं निकले और फिर से हम जूम पे जाना शुरू कर दिया और वो माहौल, वो पॉजिटिविटी वो देख लिए तो फिर से कहीं डाल ना दे। तो फ्रेंड्स, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इस तरीके का करने वाला बंदा कहीं भी सक्सेस नहीं पा सकता है। अगर आप किसी के मोटिवेशन से, किसी का इनकम देख करके अगर आप उस जगह पे आप जाते इन्वॉल्व होते हैं तो आपका नुकसान ही होना है। तो सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट को समझिए कि जहां पे हम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं या समय दे रहे हैं तो वो क्या है, क्या चीज है, और उसको समझने के लिए आपको जूम पे आना पड़ेगा, ना कि किसी का मोटिवेशन, किसी का इनकम देख करके आपको पॉजिटिव होना है। ठीक है, यहां पे जूम पे बहुत ऐसी ऐसी चीजें, बहुत ऐसी ऐसी जानकारियां आपको मिलेगी जो आपको भविष्य में बहुत काम आने वाला है। तो इन्वेस्ट करने के लिए, पैसा कमाने के लिए नहीं, बल्कि सीखने के लिए आप जूम पे आइए। जब आप सीखेंगे नहीं तो आप समझेंगे कहां से, और नहीं समझेंगे तो फिर धोखा होगा, इसलिए समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो समझिए, समझ करके करिए, बहुत ही अच्छा रहेगा। लेकिन ये काम जो है ना फ्रेंड्स, अगर हम सभी का पैसा एसबीजी के अंदर में लगा हुआ है और अभी नहीं निकल रहा है और आप सोच रहे हैं कि हमारा पैसा किसी भी तरीके से निकल जाए, तो ऐसा सोचना बेकार है। आपको थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। जो कम्युनिटी है, ज्यादा नहीं, आप अगर मान के चलिए कंपनी के अंदर में 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख रुपया आप लगा सकते, इतना बड़ा रिस्क आप ले सकते हैं उस जगह पे, तो आप क्या $100 का आप नहीं ले सकते हैं क्या? ये $100 बहुत ज्यादा तो नहीं है, ये रिस्क भी नहीं है। आप $100 से ही स्टेकिंग करिए ना, आप $100 का ही स्टेकिंग करिए। और ये काम अगर हर इंसान करना शुरू कर जाएगा, पर आईडी पे ये अगर लगना शुरू हो जाएगा तो हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा, और ये 50 किल होने में भी बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा और सबका पैसा भी निकल जाएगा। तो इसको समझने के लिए फ्रेंड्स, जरूर से जरूर आप जूम मीटिंग को अटेंड करिए, चीजों को समझने की कोशिश करिए, और उसके बाद फिर आप डिसीजन लेने में मतलब आसानी होगी आपके लिए कि हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, अगर आप अपना पैसा निकालना चाहते हैं, अपने टीम का पैसा निकालना चाहते हैं, लायबिलिटी फ्री होना चाहते हैं, तो जरूर इस MMIT स्टेकिंग रिवार्ड का जो प्लेटफॉर्म है इसको समझने की कोशिश करिए और उसके बाद इन्वेस्ट करिए। मैं बार बार बोल रहा हूं कि आप किसी के कहने पर आप इन्वेस्ट मत करिए, आप चीजों को देखिए, उसके अनुसार से जब आपको लगता है कि हमारा पैसा सेफ है तो फिर आप इन्वेस्ट करिए। ठीक है, जानकारी, इन्फॉर्मेशन इज द वेल्थ, इन्फॉर्मेशन इज वेल्थ। ठीक है, जानकारी जितना ज्यादा लीजिएगा उतना ही ज्यादा आप सेफ जोन में रहेंगे, आपका कोई नुकसान नहीं हो सकता। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट, फिर मिलते हैं नए जानकारी के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।